भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली करुणा शांति और अहिंसा की धरती पर दूसरी बार दो पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। घटना मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोसला राइस मिल के समीप समाचार संकलन करने गए दो पत्रकार जनजोश के संपादक पवन चंचल और बहुजन समाचार के रिपोर्टर शिवप्रसाद दास पर अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ ही मोबाइल छीनते हुए रॉड डंडे से कई घंटे तक पीटते रहे। किसी तरह से जान बचाकर भागकर थाने को फोन किया लेकिन स्थानीय थाना सूद तक नहीं लिया। फिर किसी तरह बचते हुए भागकर थाना पहुंचे, तब थाना पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उक्त मामला बोधगया पर्यटन क्षेत्र का है, जहां वरीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुलिस जवानों के साथ मौजूद रहती है, लेकिन इस घटना से बोधगया में आए पर्यटकों में भी डर कायम होता जा रहा है, जिसे लेकर अब बोधगया की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये है कि सबसे पहले गया जिला में पत्रकार बहुत असहाय है। पत्रकारों को पहले सुरक्षा मिलना चाहिए, पहली प्राथमिकता पे प्रशासन को इसकी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इससे पूर्व में भी बोधगया में पत्रकारों पर हमला हुआ था, उस पर भी जानलेवा, वो भी सरकारी कार्यालय में हमला हुआ था। आए दिन मतलब कि इस तरह की घटना जो हो रहा है, इसमें भी उन्हीं लोग के आदमी इन्वॉल्व हैं। ये नहीं है कि ये दूसरे गैंग के लोग हैं, ये सारे एक ही गैंग के लोग हैं और एक ही गैंग के लोग इन्वॉल्व होकर के हर जगह पे पत्रकारों को जो है हमला करने में लगे हुए हैं। पत्रकारों के ऊपर मारपीट करने जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार, और ये जो है पत्रकारों का ऊपर हमला नहीं है, ये जोरदार तमाचा है प्रशासन के ऊपर, एसएसपी के ऊपर, डीएम के ऊपर, सीएम के ऊपर, डिप्टी सीएम के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, और ये संविधान के ऊपर प्रहार किया गया है। एक अदना सा मिल चलाने वाला आदमी, गया जिला का मिल का बादशाह बना हुआ है, राइस का किंग बना हुआ है, अब पूरे जो है एफसीआई गोदाम का हेरा फेरी मामला कर रहा है। चाहे माल एफसीआई में जाने से लेकर हो, चाहे आने से लेकर आने तक का हो, एक ही माल जो है बार बार टर्न अप हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो है एक अदना सा मिल मालिक इतना बड़ा करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है, और इसमें कौन कौन मिली भगत, ये तो जांचों उपरांत ही सामने आएगा। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे कि जिन पत्रकार भाइयों, जो पत्रकार भाई हैं, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे भी विनती करते हैं कि आइए, हम लोग भ्रष्टाचार के उखाड़ने के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए काम करते हैं। हम लोग इस ये जो भ्रष्टाचार हो रही है यहाँ पे, इसको भी उजागर करने का काम करें, और साथ ही उन सभी गया जिला के सभी वासियों से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के लिए एक पत्रकार जो है रात में मरकर दिन में मरकर काम करता है, लेकिन साला जनता कोई सहयोग नहीं करता है। जनता जो है उसी में भ्रष्टाचारियों के साथ काला जो काम कर रहा है, उन्हीं भ्रष्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। वो किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि आइए, हम लोग को साथ दीजिए, ताकि आपकी जो धान जो 11 रुपये 14 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, 20 रुपये धान का दाम है, वो क्यों नहीं मिल रहा, वो हम आप लोग को दिलवाए।